जेएनयू छात्र संघ चुनाव पूरे सवा पर है। मुख्य मुकाबला यहां पर एवीवीपी और लेफ्ट संगठनों के बीच में है। अभी तक जेएनयू छात्र संघ पर लेफ्ट विंग का कब्जा रहा, लेकिन बीते दिनों में एवीवीपी का कुनबा बढ़ता हुआ नजर आया और एवीवीपी पर मामले में अपनी उपस्थिति कैंपस में भी दिखाई है। वैसे तो जेएनयू कैंपस में लेफ्ट विंग के कई संगठन है, जैसे ICDS, SFI, SFI और बसपा। ये सभी वैसे तो अलग अलग संगठन है, लेकिन कैंपस में पिछले चुनाव के समय से लेफ्ट संगठन एक होकर और गठबंधन कर चुनाव लड़ रही है। इस बार भी चारों संगठन एक होकर चुनाव लड़ रही है, वहीं एबीवीपी अकेले चुनाव लड़ रही है। आपको बता दें, जेएनयू कैंपस में 20 मार्च को रात में प्रेजिडेंशियल डिबेट होगा, और इस जिसमें अलग अलग संगठन के छात्र संघ अध्यक्ष पद के प्रत्याशी अपना अपना एजेंडा बताएंगे, वहीं वोटरों को लुभाने का प्रयास करेंगे। वहीं 22 मार्च को वोटिंग होगी और फिर 24 मार्च को नतीजे आएंगे। आपको बता दें, जेएनयू कैंपस में 4 साल बाद छात्र संघ का चुनाव होने जा रहा है, जिसको लेकर छात्रों एवं छात्र संगठन में काफी उत्साह है। जेएनयू में चुनाव का रंग भी और यूनिवर्सिटी से अलग होता है। यहाँ छात्र संगठन के उम्मीदवार महेश एवं हर हॉस्टल में घूम घूम कर चुनाव प्रचार करते हैं। नारेबाजी एवं जुलूस और यूनिवर्सिटी से अलग होता है, यहाँ परंपरागत डफली बजाकर नारेबाजी होती है। क्योंकि अब चुनाव में ज्यादा समय नहीं रह गया, इसलिए दोनों संगठनों ने रात में अपना अपना शक्ति प्रदर्शन किया। दोनों संगठनों ने विशाल मशाल जुलूस निकाली और यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो नारेबाजी है वो हो रही है। तस्वीरें हम आपको जेएनयू कैंपस की दिखा रहे हैं, जहाँ पर ये चुनाव का पूरा माहौल देखने को मिल रहा है। Thank you.
चलो भाई चलो आगे चलो।